क्या बोली? वही तो जा रहे लेने। आइए मैडम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ अभिजल और आज जो है वैलेंटाइन डे है, तो अभी हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। अब क्या करें, ज़रूरी थोड़ी है कि बॉयफ्रेंड लोग के साथ ही केक काटना है ना। तो घर में नानी आज बीमार है, आज नहीं 2 दिन हो गया नानी बीमार है, नानी का तबीयत ख़राब है। तो हम लोग सोचे कि बुज़ुर्गों को भी ये दिन मतलब सेलिब्रेट करने का मौका मिलना चाहिए। तो हम और अंशु जा रहे हैं केक लेने और दिखाएंगे कि हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे केक हम बनवाए हैं उनके लिए। ज़्यादा पहले नहीं गए थे, आज ही हम बनवाने के लिए गए थे। करीबन करीबन हो रहा है 4-5 घंटा पहले वो लोग बोले थे आधा घंटा में आइएगा हम लोग दे देंगे। तो वही हम अंशु जा रहे हैं केक लेने के लिए, आते हैं और नानी को सरप्राइज देते हैं। आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। इसको तो छोड़ो, मैं बैन नहीं दे रही। अच्छा ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं और मिलते हैं दुकान में। समय ही नहीं मिलता है, 3 दिन हो गया दिए हुए धान, आज लेने के लिए आए हैं चावल हम लोग। तो हम लोग आए हैं नाइटी लेने, हम सबको नाइटी लेना था तो वही हम लोग आए हुए हैं। तो बंदी दिन भी आए थे हम लोग और दुकान पूरा बंद था जिस वजह से हम लोग नहीं लिए, अभी आए हैं। अभी देखो हम अभी तुरंत बताएं कौन सा अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा दिख रहा है, ये वाला ये उसमें क्या खराबी है? ओला में कितना ठो लेना है? 1 ठो? 2 ठो लेंगे जी। तो 2 ठो लेना है तो उसको ले लूँ ना, ये भी ले लो, ये वाला ठीक तो है ही, गोल गला बटन है तो क्या होगा? तो हमको बटन नहीं अच्छा लगता, बताइए। नाइटी में भी छांट रहे आदमी लोग, हम तो कुछ भी लेके पहन ले ना, छांटते हैं तो छांट। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। वैलेंटाइन डे, पिंक लेना चाहिए। हाँ तो क्या, आज वैलेंटाइन डे ना, सब चीज़ पिंक पिंक लो, लड़कियों का फेवरेट कलर। हमारी मैडम चप्पल लेने आई हैं, चप्पल खोल के घुसना है क्या, चप्पल उतारना है क्या, पहन क्या है? होलसेल दुकान है, होलसेल। ये सब ठीक है तो घर के लिए क्या, घर के लिए ही सब ठीक, दुकान सब जाने से। ठीक ठीक दिख रहा है, साइज नहीं है इसका, 4 नंबर छोटा नहीं आया, 4 नंबर लाते हैं, 4 से 6 होता है। कोई कोई 3 में देता है लेकिन 3 का बहुत कम माल आता है। अच्छा तो लगा भी तो अच्छा, जो पहनी है तो वो भी अच्छा कम है, अच्छा भी लगता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। माउस अपनी ले रही थी उसको लेकर यहाँ पर फकीर ओगे 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 चलो। अच्छा दिख रहा है, क्या है रे, चीज बर्गर भी देते हैं ना गरम करके, तो हाँ भी दीजिए, खा के देख लिया अंशु, नहीं खाई ना तो। अंशु कहाँ, मेरा तो नहीं खुला है। सीधी आता है ये तो, कभी खाए थे बस हंसी था। ये क्या क्या सब दिया है, चीज़ है चीज़, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे साथ में पकड़ो प्लास्टिक के साथ ऐसे।
चल तो इतना बड़ा मुंह गया आज खा लेते हैं, कल से अभिषेक जिम ले जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा भाग। खाना चाहिए ना, हर चीज टेस्ट करना चाहिए ना। नहीं खत्म होगा ना तो डलवा लो। डलवा देंगे तो एक बाइट का ये बोलते पसंद नहीं आया, पैक करवा दो। हैप्पी बर्थडे बोल रही है नानी, बोल रही है हम अपना बर्थडे नहीं जानते या केक काटेंगे बोल रही है हाँ तो कोई बात नहीं ना, डोंडो था तो डोंडो था, पढ़ा लिखा तो सामने का बात है। अच्छा जिस दिन केक काटोगे उस दिन बर्थडे तेरा ना, आज केक काटो आज तेरा बर्थडे मनाएंगे। आज वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे लवर्स डे। यो देखो वैलेंटाइन है, हैप्पी वैलेंटाइन है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लवर्स के साथ वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हम लोग घर वालों के साथ भी वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। हम लोग को तो कोई विश नहीं करता तो हम लोग सोचे हम लोग ही नानी को विश कर दे। दिख रहे कि नहीं आप? चलो चलो हम कहा भी काटेंगे। चलो ए, तुम लोग साइड हो, तुम लोग नहीं काटना है गलती से नहीं। चलो चलो नानी काटो, तुम काटो जी। मैं काट रहा हूँ इसे, चलो हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलो रे, हम खाली बोलते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये केक खाने का बहाना है और कुछ नहीं नानी ना नानी तो केक खाने का बहाना है। हम नहीं खिलाएंगी, एक ही जन का खाओगे, हम ज्यादा ही करते हैं तुमको। हमको तुम लोग बोला मत खिलाओ, रुक तुमको तो इधर आओ। हमको भी ज्यादा क्रीम नहीं खाई, हम पहले ये दे भाई ये वाला तू खा बहन, ये दे इधर से खा दो, इसको कौन खाएगा क्रीम वाला? तुम नहीं खाएंगे हम क्रीम वाला, नहीं खाएंगे या अंदर का खिला हमको अंदर और बाहर क्या होता है, इसको नहीं खिलाओगे मतलब नानी आप नहीं खाएंगे, उन्हें उन्हें नहीं खाएंगे, कौन ना खाएगा? लो इधर दे दे रुको मैंने हम तो अपने लो खाओ अच्छा लगता है।
बर्गर खिला इसको, बाउड़ी थोड़ा सा चाबी और पैक कर लाइटर लिए। बर्गर इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता है, पराठी वाला हो गया। कितना लिए चावल? 45 रुपए। हेलो गाइस, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नानी को सरप्राइज़ दिया। उनका कहना था कि उनको तो पता भी नहीं था कि आज क्या है, लेकिन उनका कहना था कि केक क्यों लाई हो, हमको तो मेरा बर्थडे का डेट भी नहीं है और मेरा जो माँ बाप था वो लोग तो अनपढ़ था, गंवार था, वो लोग को तो डेट भी याद नहीं था, तो हम लोग को भी वो लोग नहीं बताया, तो फिर किस चीज़ का केक काटेंगे। तब हम लोग उनको बताए कि नहीं, आज का दिन जो है ऐसा ऐसा होता है, तब हम लोग साथ में केक काटे। तो हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग अकेले हैं आज के दिन, कि कहीं ना कहीं वो लोग उम्मीद बैठा रखे हैं कि मे भी हो सकता है उनके पार्टनर हैं या फिर कोई भी है जिनसे वो उम्मीद रखते हैं, तो वो उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हाँ आज का दिन कुछ खास होगा, आज का दिन हाँ ये होगा, आज का दिन वो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे इंतज़ार मत कीजिए, आप लोग ऐसे किसी से उम्मीद मत कीजिए कि ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो आप उम्मीद कर रहे हो। ये बहुत ही रेयर होता है जो आप उम्मीद करते हो और वो चीज़ पूरा होता है। तो आप खुश रहा कीजिए, आप बिज़ी रहा कीजिए, आपका ये दिन भी जो है नॉर्मल ही कटेगा, जैसे और दिन कटता है ऐसे ही नॉर्मल ही कटने वाला है। तो आप लोग किसी से उम्मीद मत कीजिए, और हो अगर हो सके तो आप लोग अपने परिवार वालों के साथ, अपने गार्जियन के साथ भी ये दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि माँ बाप के साथ हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वो करो। और आप लोग आज के वीडियो में मेरा भाई को देखे होंगे, तो मेरा भाई जो है वापस आ गया। क्यों आया, बहुत लोग सोचेंगे कि क्यों आया, इतना अच्छा से विदाई दी थी। वो विदाई नहीं था एक्चुअली मेरी एक मतलब ऐसी है, फ्रेंड है, वो काम करने बुलाई थी। हम जो है मेरा एक बोले जैसा, मेरे लिए मेरा भाई ही माँ है, बाप है, सब वही है। उसको हम भेजे वहाँ काम करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि जो जहाँ वो काम करने के लिए गया है वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उतना हम नहीं बोलना चाहेंगे। तो मैं उसको बोली कि आ जाओ, क्योंकि आपको जब वहाँ फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है तो आप क्यों वहाँ पे अपना टाइम दोगे, अपना दिमाग क्यों दोगे। मैं बोली आ जाओ, तो वो आ गया। लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा हुआ कि मैं चाह रही थी कि वो बाहर जाए और वो गया। कम से कम उसको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ दीदी मेहनत कर रही है,
तो इससे बड़ा जो खुशी है वो मेरे लिए नहीं हो सकता है। तो जो कि उसको महसूस हुआ और यही चीज़ हम चाहते थे, और शायद कुछ दिन और रहता तो बहुत ही चीज़ वो जान जाता वहाँ रह के, बहुत कुछ सीख जाता वहाँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि लेकिन आप ऐसे किसी को झूठ बोल के ना बुलाएं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक अच्छा रिश्ता जो है ख़राब होता है। ठीक है, ख़राब नहीं भी होता है 100% में ना, 30-20% ना खटास रह जाता है जो कि आप कभी उसको हटा नहीं सकते हो। मतलब दोबारा विश्वास करने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तो बोलूँगी कि आप लोग, अगर आप लोग भी अगर ऐसा कुछ करते हो तो आप ऐसे करीब लोगों को, क्या दूर वालों को भी आप ऐसे जो है वो बता के आप ले जाओ, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और आप लोग भी सही से रहिए, प्यार बनाए रखिए मेरे में, और आप लोग भी आपस में प्यार बांटते रहिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। और एक बात बोलना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द मैं अपने स्ट्रगल, अपना जो मेरा जो अतीत, मेरा जो पास्ट रहा है, मैं वो मतलब आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकी वीडियो नहीं, लेकिन वो वीडियो ज़रूर से शेयर हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि और लोग उस जगह से, उस रास्ते से, वो पीड़ा से, वो दर्द से ना गुजरे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाए रखिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।